लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग ने देश भर में आचार संहिता लागू कर दी है, जहां असामाजिक तत्वों में भय पैदा करने के लिए पुलिस प्रशासन और अर्धसैनिक बल के जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला और नगर में लगे पोस्टर बैनर्स को निकालने की कार्रवाई की गई। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। 7 चरणों में मतदान होगा, वहीं प्रदेश में 4 चरणों में मतदान होगा, जिनमें पहले चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। टीकमगढ़ और खजुराहो लोकसभा सीट पर 26 अप्रैल को मतदान होगा, जिसे लेकर प्रशासनिक अमले ने आचार संहिता लगते ही पैदल फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च के दौरान नगर के विभिन्न चौराहों पर चुनाव संबंधी प्रचार प्रसार या जनप्रतिनिधि नेताओं के जो भी फ्लैग्स बैनर पैम्पलेट्स देखे गए उन्हें तुरंत निकाला गया। निर्वाचन आयोग ने जैसा आपने बताया जारी कर दी है, आज से आचार संहिता लागू हो गई है। कलेक्टर महोदय के निर्देशन में सभी क्षेत्रों में पुलिस प्रशासन मिलकर मार्च कर रहे हैं, नगरीय निकाय भी जो है वो साथ में है। तो जो जहाँ जहाँ हमें MCC का उल्लंघन मिल रहा है वहाँ से बैनर पोस्टर हटाए जा रहे हैं, सफाई और अतिक्रमण संबंधी निर्देश भी दिए जा रहे हैं। यही कार्रवाई हमें 3 दिन में पूरी कंप्लीट करनी है। 24 घंटे में हम शासकीय जगह से निकालेंगे, 72 आवर्स में निजी भी पूरे निकाल देंगे। सभी पटवारी सचिवों को इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं। सभी गांव-गांव में ऐसी ही कार्रवाई चल रही है जैसी आप यहां देख रहे हैं। कब मतलब वोटिंग कब होगी टीकमगढ़ लोकसभा सीट पर, और क्या कितने बूथ बनाए गए हैं, कितने बूथों का अभी तक निरीक्षण हो गया, क्या तैयारी है? पूरे देश में 7 चरण में चुनाव है। हमारे यहाँ टीकमगढ़ जो सीट है उसमें 26 अप्रैल को चुनाव है। 267 मतदान केंद्र हैं टोटल महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र में। और कोई विशेष है, कोई पुलिस वाले CRPF के जवान तैनात किए जाएंगे, क्या और तैयारियाँ रहे? अभी जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं उनको फॉलो किया जा रहा है। अभी जो अगले 3 दिन है उसमें हमें MCC का पालन पूरा करवाना है, सभी जगह लागू करना है, और हम मतदान केंद्रों की व्यवस्था जो है वो बेहतर हो वो सुनिश्चित कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में काफी जगह पर आज भी राजनीतिक पोस्टर लगे हुए हैं, 3 घंटे बीतने के बाद भी आचार संहिता के, तो क्या वो भी हटाए जाएंगे कि वो लगे रहेंगे? नहीं, सभी जगह अभी ही सचिव पटवारी और जो अमला है ग्राउंड रूट लेवल का वो सब पहुँच गए हैं और कार्रवाई शुरू हो गई है। 3 दिन में आपको सब जगह से साफ मिलेगा। लोकसभा की सर आचार संहिता लग गई, सर क्या पुलिस व्यवस्था रहेगी, सर कैसे सर पालन कराया जाएगा सर? जैसा कि आप सब लोग ज्ञात है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज लोकसभा चुनाव की घोषणा कर दी है, उसी तारतम्य में सभी SDM और पुलिस बल ने मार्च किया है, और मार्च करने के पश्चात हम लोग लगातार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करेंगे, और बाहर से CAPF का जो फोर्स है वो भी आएगा। सर क्या बूथों पे सर कैसे जो संवेदनशील बूथ हैं सर उसकी कैसे तैयारी है? संवेदनशील बूथों के लिए हमारे यहाँ पे CAPF का फोर्स होता है जो केंद्रीय एजेंसी से प्राप्त होता है, वो आता है और वो डिप्लॉयड होता है। सर अभी और जैसे आज से आचार संहिता लगी तो क्या और कड़े कानून, मतलब कैसे चेकिंग वाहन का भी सर एक पॉइंट लगातार पुलिस चेकिंग वाहन चेकिंग होगी, और जिनके नंबर प्लेट्स वगैरह में पूर्व सरपंच या पूर्व विधायक तमाम चीज़ें होगी उनको हटाया जाएगा, संपत्ति विरूपण कार्रवाई की जाएगी। सर एक संदेश क्या देना चाहते हैं सर, आचार संहिता ही काफ़ी लोगों को नहीं है पता, उनके लिए क्या संदेश है? संदेश ये है कि सभी लोगों को ये ज्ञात हो जाए कि आचार संहिता लागू हो गई है, और हमें जो चुनाव करवाना है बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से कराना है, प्रशासन का सहयोग करें। बता दें कि फ्लैग मार्च में SDM विशा माधवानी, SDOP चंचलेश मरकाम, तहसीलदार संदीप तिवारी, थाना प्रभारी सतीश सिंह, नगर पालिका CMO नीतू सिंह के साथ राजस्व पुलिस और नगर पालिका अमला रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, छतरपुर।